फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं उल्टा घर और आप लोग देख सकते हैं नजारा कुछ इस प्रकार का है। अंदर जाने से तो भी उल्टा जाएगा आपको। अगर सीधा देखने का मन करे तो मोबाइल ऐसा उल्टा कर देना। सो हेलो वेरी वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही रहना। सो आज आपका भाई एकदम मस्त वाला, एकदम कंटेंट खतरनाक वाला लेके आ चुका है एक नए ब्लॉग के तौर पर। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए गाइस। तो मैंने सुना है कि हमारे डुअर्स में डायना के रिवर साइड में एक उल्टा घर बनाया गया है, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार है। तो आज जाके देखते हैं और मस्त से एकदम एक्सप्लोर करेंगे गाइस, तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो उतना तो मुझे लोकेशन पता नहीं है, बट जाके देखते हैं किधर है किधर नहीं है, पूछते पूछते जाएंगे आदमी सबको। तो फटाफट से निकलते हैं ना गाइस। सो गाइस मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि उल्टा घर कैसा होगा यार, मतलब छत नीचे होगा और मतलब जो नीचे का चेचिस क्या बोलते हैं उसको, वो सब ऊपर होगा। पता है ना यार, जाके ही देखना पड़ेगा ना गाइस। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है मेरे को कि वो उल्टा घर कैसा जो बनाया गया होगा। तो चले चलते हैं, देखते हैं और आपको भी दिखाएंगे, तो बहुत ही मज़ा आएगा शायद मेरे हिसाब से तो। सो गाइस मतलब मुझे ना मतलब पूरा जानने का इच्छा हो रहा है कि हमारा जो उल्टा घर है कैसा होगा, दिखने में कैसा होगा यार। आप लोग मतलब गेस कर सकते हो कैसा होगा। तो गाइस यार मतलब जाके देखना ही पड़ेगा हम लोग को कि कैसा है हमारा उल्टा घर और किस जगह में स्थित है, कहां पर बनाया गया है, सारा कुछ आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो ब्लॉग में बने रहिए और मतलब स्किप मत करना ब्लॉग इस बार, क्योंकि बहुत ही मतलब काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलने वाला है। कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसा है कैसा नहीं है, सारा कुछ आपको दिखाऊंगा एकदम मस्त तरीके से। सो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बनारहाट और बनारहाट का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। अभी पूजा का सीज़न है इसीलिए पूरा का पूरा भीड़ भाड़, और ऊपर से स्कूल छुट्टी हो चुका है तो स्कूल के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट अभी निकल रहे हैं, तो बनारहाट काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी हुए अभी तो। सो बनारहाट काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है अभी, वैसे कुछ अभी तो हम लोग को बनारहाट घुसना नहीं है, सीधा पार होंगे बाईपास एकदम डायना जाएंगे गाइस। तो कब जो पहुँचेंगे जैसा लग रहा है मेरे को भी। ये रोड चेक करें, क्या ही मस्त एकदम बवाल वाला एकदम स्ट्रेट, मज़ा आता है यार इसे रोडों में चलाने के लिए। तो आप लोग जब भी आइए एक बार, मतलब मैं तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप लोग एकदम स्पीड चेक करिए, क्योंकि यहाँ पर गाँव माता जो होते हैं ना एकदम रोड के साइड साइड, पता नहीं कब ऐसे मतलब कब उसका मन क्या हो जाए ऐसे फटाक से निकल जाए, तो आपको एक्सीडेंट चोट भी लग सकता है। तो इसीलिए थोड़ा संभल के स्पीड मेंटेन करके चलिए। और हमारे डुअर्स ना इतना ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट कर रहा है ना गाइस, तो बहुत ही अच्छा लगता है ये चीज़ के लिए कि हमारा डुअर्स में ऐसा ऐसा रिसोर्ट वगैरह बन रहा है, तो बहुत ही मज़ा आएगा। हालाँकि अभी तो मतलब उल्टा घर तो बहुत जगह स्थित है, बट हमारे डुअर्स में पहली बार, तो बहुत ज़्यादा मतलब टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं वहाँ पर सुना है मैं। तो आज जाके देखते हैं कैसा नज़ारा है गाइस। जब भी आप लोग मतलब उल्टा घर जाने के लिए आइएगा तो आप लोग को ये रास्ता मिलेगा डायना रिवर का जस्ट आगे, तो आप लोग को यहाँ से लेना पड़ेगा लेफ्ट और फटाक से एकदम नदी का साइड साइड एकदम कम से कम 3 से 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा ना गाइस। तो बहुत ही खुफिया रास्ता है, तो जाके दिखाते हैं आप लोगों को भी। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है ने गोड़ी छुलबुली, करे जो छक जोरी क्यों ना, सूरज की किरण आने दे मेरे नींद, अब चल जाने दे जो भी। सो गाइस यार रास्ता देख सकते हैं आप लोग, और इसी रास्ता से जाना पड़ता है शायद, तो रास्ता वैसे खूंखार भी है, डर डर सा लग रहा है, कोई नहीं है आगे पीछे और मैं जा रहा हूँ लड़की लेके। क्या ही कहे अब, पता नहीं यार कितना दूर जाना पड़ेगा वो तो मुझे भी पता नहीं, बट देखते हैं जाके आखिरकार। जाना तो पड़ेगा ही हमें। ये रोड देख के ना मतलब ऐसा लग रहा है कि एकदम यहाँ पर मतलब खुफिया वाला रास्ता है पूरा, मतलब छींटे वगैरह होते रहते हैं ऐसा लग रहा है, हालाँकि वैसा कुछ नहीं है, पता नहीं यार कौन बोल सकता है यार, बट कोई नहीं हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो। वैसे पीछे हमारे कोई आ रहा है, दो चार बंदे और बंदी आ रही है शायद, वो सब भी उल्टा घर ही जा रहे होंगे। गाइस यार यहाँ से व्यू चेक करें आप, क्या ही मस्त लग रहा है एकदम, पूरा का पूरा डायना रिवर जो कि देख रहे हो आप लोग, पूरा का पूरा डायना रिवर है, क्या ही मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से तो। काफ़ी ज़्यादा धूप भी है यार यहाँ पर तो,
काफ़ी ज़्यादा धूप पड़ने के कारण आपको फुटेज अच्छा से दिखाई दे रहा है या नहीं वो तो हमें नहीं पता, बट हम लोग जो फील कर रहे हैं ना, क्या ही मस्त लग रहा है यार यहाँ पर गरम, मतलब इतना धूप होने के बाद भी ना यहाँ का हवा जो चल रहा है ना एकदम बिल्कुल ठंडा ठंडा लग रहा है। नदी ओए जे वहाँ पर तो एक मिंजूर दिख रहा है यार, मोर देख कोई जे, गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं उल्टा घर, जो कि आप लोग सामने देख पा रहे होंगे वो मतलब कॉटेज वगैरह बनाया गया है और एक उल्टा घर है जो कि देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे और देखेंगे नज़ारा कैसा है गाइस, तो आपको भी दिखाएंगे। टिटी ये रहा उल्टा घर, हम लोग पहुँच चुके हैं, हाँ वहाँ से घुसना पड़ेगा शायद। सो फाइनली यहाँ से होता है हम लोग का स्टार्ट, और क्या बाइक पार्क करना पड़ेगा, क्या बोले अंकल? अच्छा कितना रुपया करके? 50। कितना मतलब दोनों का? नहीं, एक का 50। बहुत ज़्यादा नहीं हो गया? एक टिकट काटे, एक जाइए ताड़ा ताड़ी घूम के। अच्छा ठीक, ज़्यादा महंगा हो गया तो? हाँ महंगा हो गया, तो अभी तो बना तो वैसे नहीं है, फिर भी आपको भी तो बहुत दर्द होता है। हाँ मेरा भी गांव का आदमी है। चलो क्या बोले आप, सिस्टम रख दिया ऐसा। अच्छा चलो ठीक, चेक करने वाला नहीं है? मैं जाना फटाफट देख के अभी सब खाना ना। बाइक किधर रखे फिर? बाइक इधर, इधर ही। हां इधर 20 रुपया ठीक है, या दो जने 50 ठीक है? बाइक लगा के इधर में 10, उधर में 10। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। घर में घुसने का टिकट नहीं लगता है ना? अभी हम छोड़ दिया था। आए तो दीजिए ना, आए तो दीजिए। हां दुकान उकान होगा क्या उधर, है ना? अच्छा ठीक है। सो गाइस फटाफट चलते हैं और घूमते हैं, थोड़ा आपको व्यू वगैरह दिखाएंगे चारों ओर घूम घूम के। हालांकि अभी काम चल ही रहा है, वैसे पूरा बना नहीं है, तो जाके देखते हैं। क्या ही मस्त लग रहा है यार देखने में उल्टा घर। चलो गाइस ये हो गया टिकट, 50 रुपये पर पर्सन, बहुत ही महंगा हो गया यार कसम। सो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं उल्टा घर, और आप लोग देख सकते हैं नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। तो अंदर घुसने से पहले चारों ओर से आपको दिखा देता हूं कि नज़ारा कैसा है, और अंदर में कैसा कैसा मतलब सामान उल्टा है नहीं है, तो कैसा फील होता है सारा कुछ आपको दिखने को मिलेगा इसी ब्लॉग में। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं चारों ओर से नज़ारा आपको दिखाएंगे किस तरह से डिजाइन किया गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग टाटा नाइनो भी पार्किंग किया गया है गाइस, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो चारों ओर से पहले दिखा लेते हैं, उसके बाद में अंदर घुसते हैं, और अंदर घुसने के बाद आपको दिखाते हैं जो अंदर का नज़ारा उल्टा है या नहीं है, तो देखते हैं गाइस। साउट गाइस क्या ही खतरनाक लग रहा है यार ये देखने में। पूरा का पूरा उल्टा हो रखा है यार, ऐसा लग रहा है ना कि मतलब घर सीधा था, उसको हनुमान जी आके उलट दिया है। वैसे वाला फीलिंग यहाँ पर, गाड़ी भी देख सकते हैं आप लोग, गाड़ी भी उल्टा पूरा। सो गाइस आप लोग को दिखा दूँ, चारों तरफ से घूम घूम के दिखाना पड़ेगा ना। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर टाटा नानो को भी उल्टा लटकाया गया है गाइस, तो ये रहा उल्टा घर। क्या हुआ? अंदर जाने से तो भी उल्टा जाएगा। तो सुना है मैं कि अंदर भी सबका मतलब पूरा का पूरा सामान उल्टा पुल्टा है। तो देखते हैं गाइस, ये रहा पीछे से नज़ारा, देख सकते हैं आप लोग पीछे से नज़ारा ऐसा है, और अभी अंदर जाके देखते हैं।
में घुसा तो उल्टा नहीं हुआ? उल्टा मैं नहीं, सब सामान उल्टा है। अच्छा चलो फिर, हाँ ऊपर है तो चलो फिर जाके देखते हैं ना गाइस। ये किचन है, क्या है? किचन है। चलो एक्सप्लोर करो फिर, ये किचन है क्या? पता नहीं ये क्या है, ये देखने के लिए मोबाइल उल्टा करना पड़ेगा आपको। ये देख रहे हो टेबल सब वगैरह पूरा, ये डाइनिंग, ये डाइनिंग सेट ना, डाइनिंग भी पूरा का पूरा उल्टा है। छत कैबिनेट है, क्या है? ये किचन का कैबिनेट है। अच्छा थोड़ा दूर से दिखाना पड़ेगा ना, तब तो समझ में आएगा। यहाँ पर चार वगैरह देख सकते हो, पूरा का पूरा उल्टा है ना। ये क्या है? बेसिन, हाथ धोने वाला। हाँ। सब कुछ उल्टा है ना। सो गाइस ये है बेडरूम और आप लोग देख सकते हैं एसी उल्टा लटक गया यार, ये तो नीचे हो गया। और इधर में देख सकते हो बेड, तो आप लोग भी जरूर एक बार विजिट कीजिएगा, अगर आपको स्टे करना होगा तो इस वाले बेड में आप लोग सो सकते हो। और क्या बोल रही है, पर्दा वगैरह देख सकते हैं गाइस। क्या टीवी भी उल्टा ना, सब कुछ उल्टा है। आहा ये सोफा भी उल्टा, देख रहे हो पूरा का पूरा उल्टा है गाइस। टॉयलेट भी उल्टा, ये रहा गाइस। ये आपका शावर, शावर भी उल्टा है ना ये। कैसे बैठ के करेगा रे इधर में। ये बल्ब देख सकते हो, बल्ब भी उल्टा, पूरा का पूरा उल्टा है गाइस। सो गाइस यार मतलब घर का अंदर भी सब कुछ उल्टा उल्टा सा है, तो बहुत अच्छा अच्छा सा लग रहा है यहाँ पर। तो आपको अगर सीधा देखना, तो आपको अगर सीधा देखने का मन करे तो मोबाइल ऐसा उल्टा कर देना, तो आपको समझ में आएगा क्या क्या है नहीं है। देख सकते हो गाइस ये सारा का सारा उल्टा है, ये सोफा उल्टा, ये टीवी उल्टा, ये बेड भी उल्टा। बट हम लोग सीधा है कि नहीं? तो थोड़ा बाहर जाते हैं, बाहर का भी नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पर उस साइड में थोड़ा फुटेज वगैरह बन रहा है, तो वहाँ पर भी जाके थोड़ा दिखाएंगे आपको। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ से सामने से नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर टाटा नाइनो देख सकते हैं आप लोग, ऊपर लटकाया गया है, सब कुछ उल्टा उल्टा। बहुत ही मज़ा आया यार यहाँ पर तो घूम के, कैसा लगा? पता भी नहीं था ना तुमको यहाँ पर आ रहा है बोल के। सो लड्डू को तो पता ही नहीं था कि मैं यहाँ पर ला रहा हूँ बोल के, है ना। रास्ता भी इतना खतरनाक था कि क्या ही कहे। लड्डू बोल रही थी कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, तो फाइनली देख सकते हो गाइस यहाँ पर आके बहुत ही मजा आ रहा है। कैसा लगा? हमारे डुअर्स में भी ऐसा ऐसा चीज बन रहा है ना, बहुत डेवलप हो रहा है ना हम लोग का डुअर्स, इसीलिए तो एक का 50 रुपया ले रहे हैं। चलो गाइस अभी उस साइड में जाएंगे, थोड़ा कॉटेज वगैरह कैसा है क्या नहीं है सारा कुछ दिखाएंगे। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं कॉटेज वाले साइड में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ट्री सब लगाया गया है, तो जल्दी जल्दी बढ़ेगा तो बहुत ही मज़ा आएगा, पूरा छांव वगैरह होगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा यार। मतलब काफ़ी ज़्यादा धूप पड़ रहा है ना, है कि नहीं? तो आज हम लोग कैमरा भी लेके आए, तो थोड़ा फोटोशूट वगैरह भी करेंगे, तो आपको दो चार फोटो यूट्यूब में भी दिखा देंगे, और इंस्टाग्राम में जिसने फॉलो नहीं किया फटाफट से जाओ फॉलो करो, तो मस्त मस्त फोटो भी उठाएंगे यार आज। देख रहे हो गाइस मतलब पूरा का पूरा काम चल ही रहा है अभी भी, और यहाँ से देख सकते हैं क्या ही मस्त व्यू लगता है ना गाइस। तो ये ट्री वगैरह अच्छा से बढ़ जाएगा तो बहुत ही मजा आएगा। भाई मेरे वाव, वैसे वाला सीन हो जाएगा। और सो इस तरह से बनाया गया है यहाँ पर कॉटेज, तो आप लोग आना चाहेंगे तो आ सकते हो, कम प्राइस में है, एकदम मस्त मस्त एकदम रूम वगैरह है, देख सकते हो आप लोग। ये डिजाइन अच्छा लगा ये मस्त है लेकिन।
यहाँ पर आके सब कुछ अच्छे से बनाया जा रहा है गाइस, तो कुछ यूनिक हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग पत्थर मतलब पिलर का जरूरत ही नहीं है, सीमेंट का जरूरत ही नहीं है। तो फाइनली गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा उल्टा घर कैसा है, और आप लोग को भी घर बैठे बैठे देखने को मिल गया यार, तो बहुत ही अच्छा लगा। और उधर में कॉटेज वगैरह भी है, बहुत ही मतलब सस्ता है, अभी तो नया नया में तो सस्ता ही देते हैं, पता नहीं बाद में क्या होगा। तो बहुत ही मज़ा आया घूम के, तो उल्टा घर भी बहुत ही अच्छा लगा यार। तो कैसा लगा लड्डू, कैसा लगा? मज़ा आया, मज़ा आया, तो बहुत ही मज़ा आया गाइस। तो यहीं पर ब्लॉग एंड करते हैं, तो उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी मस्त वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू।